सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन कराने वाले अपनी पल्सर 125 स्प्लिट सीट BS6 2020 मॉडल की सर्विस। नाम बड़ा लंबा चौड़ा है यार, लेकिन क्या करें, लेना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि बाइक कितने किलोमीटर चल चुकी है। तो भैया देख लो, बाइक 9203 किलोमीटर चल चुकी है, देख लो अच्छे से। और इसकी थर्ड सर्विस तो होती है वैसे 9.5 से 10,000 किलोमीटर पे, लेकिन मैं इसकी थर्ड सर्विस थोड़ी जल्दी करा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि इसका इंजन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी इसके, और सर्विस सेंटर वालों ने इसके हेड का थोड़ा काम किया है। उस टाइम पे उन्होंने ऑयल को नहीं छेड़ा था और बाइक थोड़ा सा धुआं दे रही थी, थोड़ा सा ऑयल जलाया है बाइक ने उस टाइम पर। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी ही करा दूँ। और वो वीडियो अगर आप लोग ने नहीं देखी तो मैंने दोनों वीडियोज़ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि बाइक के इंजन में क्या प्रॉब्लम आई थी वो वीडियो की, और बाइक जब रिपेयर होके आ गई थी तब बाइक में क्या क्या काम हुआ था वो वीडियो की। तो दोनों वीडियो आप लोग देख लेना। और ये आप लोग देख पा रहे हो, ये कांड हो गया यार। इसकी भी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। मैं चल रहा था सिटी में 40-45 की स्पीड में, और सामने एक कार ने मेरे को ओवरटेक किया और वो अचानक से स्लो हो गई, और रोड पर पड़े थे उस टाइम पर ग्रेवल्स उस रोड पर। तो मैंने थोड़ी सी पैनिक ब्रेकिंग कर दी, तो बाइक जो है आगे से स्कीड मार गई और बाइक मेरे हाथ से छूट गई, बाइक गिर गई नीचे और मैं खड़ा हो गया। पीछे से आ रहा था एक स्कूटी वाला बंदा, उसको तो पता नहीं था कि मैं ज़मीन पे लौटने वाला हूँ, तो वो शायद ध्यान नहीं दे पाया या शायद बाइक स्कूटी उससे कंट्रोल नहीं हुई, तो उसने स्कूटी सीधा आके फिर बाइक के पीछे साइड घुसा दी यहाँ, और इसका ये हाल कर दिया। तो उसकी भी कोई ख़ास गलती नहीं थी, उसने सॉरी बोला, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी, मेरे से गलती हो गई, ये हो गई वो हो गई बोला। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं यार, हो जाता है, तेरी भी पूरी गलती नहीं है, मैं ही बाइक में लौटने वाला था, तेरे को तो पता नहीं था। मैंने उससे बस ये क्वेश्चन पूछा कि भाई बाइक के ब्रेक्स जैसे थोड़े स्ट्रांग होते हैं, वैसे स्कूटी के नहीं होते क्या? स्कूटी क्योंकि लड़कियां रोकने की कोशिश करती हैं ब्रेक से तो रुकती नहीं, इस वजह से वो पैर से रोकने की कोशिश करने लगती हैं और तब भी वो रोक नहीं पाती और इधर उधर घुसा देती हैं स्कूटी को। तो बोला कि हाँ भाई, स्कूटी थोड़ा सा रुक नहीं पाती है, ब्रेक्स इसके थोड़े अच्छे नहीं होते हैं। तो मैंने बस उसको इतना ही क्वेश्चन किया और फिर उसको मैंने जाने दिया, चल भाई कोई नहीं, तेरी गलती भी नहीं है पूरी, तो तू चले जा बोला। तो ये इसके साथ कांड हो गया है भाई लोग। तो बातें बहुत कर ली हम लोग ने, अब चलते हैं सीधा सर्विस सेंटर पे और इसकी कराते हैं थर्ड सर्विस, देखते हैं कि क्या सर्विस कॉस्ट आती है और कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो भाई अपनी गाड़ी का काम स्टार्ट हो चुका है, अब इंजन ऑयल ये लोग निकालने वाले हैं, देखते हैं। हिट हो जाओ। तो भैया अपने इंजन में मतलब गाड़ी में ये वाला ऑयल डलने वाला है 10W30, देख लो आप लोग, ये अपन डलवाने वाले हैं, और भैया भी बोल रहे हैं कि ये डलवाएंगे। और इसके ओनर्स मैनुअल में भी 10W30 ही लिखा है, तो आप भी अगर आपके पास 125cc पल्सर है तो उसमें 10W30 ही डलवाना, 20W50 इसमें मत डलवाना। हमारे फ्रंट डिस्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, वो फ्रंट डिस्क जाम हो रहा था, तो भैया उसको देख रहे हैं अभी।
तो भाई लोग अपने पल्सर 125 की सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, थर्ड सर्विस, और इसका कॉस्ट आया है मेरे को 450 रुपये। और इसमें उन्होंने कुछ खास काम करके दिया नहीं, इंजन ऑयल चेंज किया है जो कि 390 रुपये का आता है, और धुलाई की है बस, और जो बेसिक सर्विस होती है उतना ही किया है, और 450 रुपये इन्होंने मेरे से लिए हैं। सेकेंड सर्विस में इन्होंने लिया था 390 रुपये। तो मैंने पूछा कि सेकेंड सर्विस में तो आपने इंजन ऑयल का 390 रुपये लिया था, तो इस बार आप 450 कैसे ले रहे हैं? तो इनका कहना था कि रेट अभी बढ़ गया है। तो अगर आपके पास ये बाइक है तो बता देना भाई कि आपको कितनी सर्विस कॉस्ट आई है। और इसमें दो प्रॉब्लम्स मेरे को आ रही थी, पहली तो इसका फ्रंट डिस्क ब्रेक जो है वो जाम हो जा रहा था, तो वो चीज़ इन्होंने सही करके दी है। इसके मास्टर सिलेंडर में ये जो चीज़ है, इसको क्या बोलते हैं, मास्टर सिलेंडर बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसमें ऑयल फुल था तो उन्होंने ऑयल निकाला और इसको सेट किया, और ये इसका जो ये चीज़ है इसको भी खोल के इन्होंने साफ़ किया, और फिर मेरे ब्रेक जो है अब सही काम कर रहे हैं। और सेकंड जो दिक्कत आ रही थी वो आ रही थी इसके चेन में, इसका चेन जो है आवाज़ कर रहा था कट कट की, तो इन्होंने चेन की ऑयलिंग की, और यहाँ पे जो पॉकेट लगता है छोटा सा उसको भी खोला और उसमें भी ऑयलिंग की, तो अब वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। तो यार इतना ही था वीडियो में, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।